अब नीतीश कुमार संग है एगो बड़ा सवाल खड़ा होता कि अगर कोनो कारण से सीट नीतीश कुमार के हाथ में नहीं खे आवत तो ई मान के चली कि बिहार में राजनीतिक रूप से लालू प्रसाद के कद बहुत ज़्यादा मजबूत हुई और मजबूत कद बिहार में एक बड़ा परिवर्तन के कारण बनी ओकरा खातिर पूरा रणनीति और राजनीति लालू प्रसाद रच ले समझौता कर ले ले तो ऐसा स्थिति में नीतीश कुमार के खाली सत्ता से बेदखल होके के पड़ी जीते और हारे के बात जब सामने आ जाई और जैसे ही हाथ में दुगो सीट आई तो निश्चित रूप से लालू प्रसाद के मनोबल बढ़े। लालू प्रसाद के सबसे बड़ा ताकत और एनडीए के सबसे बड़ा कमजोरी अगर कोई बा तो दुगो दल बोलू, एगो जीतन राम मांझी वाला जौन की 4 गो सीट लेकर के बड़का पिलर बा, 75 गो और 41 गो सीट वाला लोग के कोनो भाष नहीं खे कि अगर ये दोनों में से कहूँ छटक गई तो सरकार रही। तेजस्वी यादव कभी भी सवर्ण के साथ ना हो सकेले जबकि तेजस्वी यादव लगातार सवर्ण के इर्द गिर्द घिरल बन, चाहे वो सुनील सिंह होकस, जगतानंद सिंह होकस, मनोज झा होकस या मृत्युंजय तिवारी होकस। जो बिहार में स्थिति बा वो स्थिति में नीतीश कुमार यदि बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता रहे यानी अगर दोनों सीट उनका हाथ में आ जाता, हालांकि दोनों सीट उनके खाता में रहे लेकिन तब के रहला में अब के रहला में बड़ी अंतर बा कि भारतीय जनता पार्टी इतना मजबूत हो गई बा कि ओकरा के हिलावल हलुआ खाइल लेखा ना। होई है सोई जो राम रचि राखा को कर तर्क बढ़ावा साखा। गौर लगा था हियरा से अभिनंदन बारुआ लोग के अपना कार्यक्रम जनक नाम हो खुटा ठोक के रुआ लोग के लगातार फोन और लगातार रुआ लोग के बात सामने आ रहा बा। ए बात पर कहीं ना कहीं अब एगो इच्छा जन रुआ लोग से वादा भी कैले रही कि यदि चुनाव परिणाम जन हम सत्य शोध कैले रही कि यह दोनों सीट पर पलड़ा भारी बा नीतीश कुमार के, लेकिन बतैले नहीं कि लूप लाइन एगो बा, वो लूप लाइन से अगर तेजस्वी यादव के जीत हो जाता तो लालू प्रसाद बिहार में सरकार कैसे बनी है, का उनका लगे आंकड़ा बा और एकरा पीछे के रणनीति का बा। अगर ऐसा होता जबकि रुआ देख रहा बानी